हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फिजिक्स फिलहाल काफी वीक हो गई। इसका रीजन पता है आपको? देखो, लेस टाइम इज इक्वल टू लेस स्कोर। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम टाइम दोगे तो उसके मार्क्स भी आपके कमी आने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, पूछो एक बार अपने आप से, और भाग के जल्दी से एक नोटबुक लेके आओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी है आज के वीडियो में। सबसे पहले नोटबुक में सबसे ऊपर लिखो कितने मार्क्स आपके सेफ स्कोर में आते हैं। जैसे जनरल की मैं बात कर रही हूँ तो 620 सेफ स्कोर में आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, सारी अच्छे से जीरो से लेके और बिल्कुल 130 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये 11th के टॉपिक्स हैं और ये 12th के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इतने कम चैप्टर हैं और फिजिक्स का फालतू में खोप बना रखा है। मैंने तभी ये इतने छोटे छोटे और थोड़ा मिक्स करके लिखे हैं, क्योंकि सारा खेल जो होता है दिमाग का होता है, आपको दिमाग से ये डर भगाना है बस फिजिक्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 11th से। तो यूनिट एंड डायमेंशन से इससे पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, काइनेमेटिक्स से इसे 3 क्वेश्चन आए थे, तीसरा लॉ ऑफ मोशन इसे 4 क्वेश्चन आए थे, वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन आया था, रोटेशनल मोशन से 1 क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। अब देखो ग्रेविटेशन कितना छोटा सा चैप्टर है। अब ऐसे चैप्टर है ना, बच्चे छोड़ देते हैं और बच्चे पीछे पड़ते हैं रोटेशनल मोशन के। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इससे 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दो। थर्मोडायनेमिक्स से इस साल 5 क्वेश्चन आए थे। अब ये नहीं है कि इसे 5 ही आएंगे हर बार, इससे पिछले 2-3 सालों से सिर्फ 1-1 क्वेश्चन आया जा रहा है। केटीजी अगर आप देखोगे तो इससे हर साल लगभग 1 क्वेश्चन आता ही आता है। ऑसिलेशन और वेव काफी बड़ा सा चैप्टर है और इससे सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं 12th की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इससे 3 क्वेश्चन आए थे और इससे मतलब हर साल 3-3 ही आते हैं लगभग, तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे 5 क्वेश्चन आए थे, इससे भी हर साल आते ही हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म इससे 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमआई और एसी। इन चैप्टर्स को बच्चे छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये तो मामूली से चैप्टर है, लेकिन इन मामूली से चैप्टर में से देखो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ईएम वेव, इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे और वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। ड्यूल नेचर से 2 क्वेश्चन, एटम और न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में अब जो चीज ऐड हुई है वो है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। अब इसमें क्या है कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, बस यूं है कि हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे एक्सपेरिमेंट वाले जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते थे, बस वो इसमें टॉपिक इसमें नाम लिखे आ गए हैं बस कि हाँ ये टॉपिक्स भी हैं, इनको पढ़ के जाना है। अब आगे बढ़ते हैं कि करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, हाउ। सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखो। देखो आपने अगर अपना दिन में शेड्यूल कुछ कर रखा हो कि हाँ मुझे दिन में 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, तो आप उस 4 घंटे में से जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक 1 घंटा डेली एक वन शॉट वीडियो देख लो। उसके बाद क्या करना है कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो सिर्फ नोट कर लेना है। ये नहीं है कि आप बैठ के थ्योरी लिखने लग गए नोट्स के नाम पे कि भाई पूरी थ्योरी लिख लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, साथ में उसके फॉर्मूला नोट करना है। सेकंड पॉइंट आता है फिजिक्स है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो मस्ट है। इसमें आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग करोगे ना एनसीईआरटी के एग्जांपल से आपको लगेगा कि हाँ इजी है, तो आपके ब्रेन को भी लगेगा कि भाई ये तो इजी है, मैं तो बायो को इजी समझ रहा था सिर्फ, ये तो फिजिक्स भी इजी है, तो आपका और पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो अगर आपको उसमें डाउट आता है तो उस डाउट को ऐसे ही छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं कि हाँ क्वेश्चन सोल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे वैसे भी ऑनलाइन ज्यादा पढ़ने लग गए तो उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता है अपने डाउट्स क्लियर करने का। तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करना चाहूंगी, फिलो ऐप। तो आपसे जो भी प्रॉब्लम नहीं बन रही हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको क्रॉप करके फिलो ऐप पे डाल दो। फिलो ऐप आपको विद इन 60 सेकंड के अंदर उस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ 1-to-1 कनेक्ट कर देगा, जिसके साथ आप वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, और जब तक समझ ना आए आप तब तक उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। और अगर आपको टीचर पसंद आता है तो आप उसको फेवरेट मार्क भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सको। यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी मिलेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, साथ में पीवाईक्यूज मिलेंगे, और इसके साथ आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और उनकी फॉर्मूला शीट मिलेगी। साथ में आपको ढेरों मॉक टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये ऐप आपके लिए काफी यूजफुल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो फिलो ऐप डाउनलोड करो, मेरा कूपन कोड SDFILO10 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो जिसकी फिजिक्स वीक है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप है ना हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने पे मत जाओ, तो हमेशा इजी से स्टार्ट करो, सोल्ड एग्जांपल से स्टार्ट करो। क्वेश्चंस को कभी रीड नहीं करना है आपको, जब तक आप फिजिक्स को रीड करोगे ना आपकी फिजिक्स कभी नहीं हो सकती। मैंने तो खूब ये गलतियां की हैं। सेकंड वही है कि डोंट मग अप द क्वेश्चंस, वही है कि क्वेश्चंस को रटना नहीं है, समझना है कि हाँ ये वैल्यूज पूछी हैं। बाकी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि हाँ मैं कैसे क्वेश्चन अप्रोच करती थी, मतलब मैं भी तो जीरो पे ही थी कहीं ना कहीं, तो मैंने कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि PYQs। अब देखो PYQs ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और साइड में कर दो कि हाँ मैंने तो PYQs कर लिया है। रिवीजन इज द की, आपको 2-3 बार रिवाइज करने हैं, 2-3 बार उनको प्रैक्टिस करने हैं लिख लिख के, तब जाके मैं मानूंगी कि आपने PYQs किए हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ढेरों मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है
उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हुआ या फिर जो भी आपने गलती की है वो अपनी उस फॉर्मूला नोटबुक में लिख लिया करो। जब भी आप फॉर्मूला नोटबुक बनाते हो तो आपको पता है कैसे बनानी है। जैसे आपकी ये नोटबुक है तो आपने इस नोटबुक में जैसे लिख लिया कि हाँ लॉ ऑफ मोशन के मैं सारे फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, तो आपके फॉर्मूला समझ लो खत्म हो गए। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप वर्क एनर्जी पार्ट डाल दो, नहीं, आपको एक पेज खाली छोड़ना है क्योंकि आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अभी प्रैक्टिस करने वाले हो, तो उसमें जितने भी डाउट आएंगे आपके LOM के तो आप कहाँ नोट करोगे। तो हमेशा एक दो पेज छोड़ के उसके बाद अपने फॉर्मूले नोट करने हैं आपको। आपको अलग अलग चीजें भटकना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने कहीं तो लिखा था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें एक साथ एक जगह नोट करनी है आप। अब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दो और बात खत्म, उनको एनालाइज जरूर करना है। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो। जब भी क्वेश्चन गलत होता है तो हमेशा उस पे लिखो कि आपको वो आता था या नहीं आता था। अगर आप देखोगे आपको क्वेश्चन आता नहीं था तो आपको पता लग गया कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, तो आप उस टॉपिक को पढ़ो जाके। अब है कि आपको वो टॉपिक आता था फिर भी आपका गलत हुआ है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपने सिली मिस्टेक किया, तो अपनी गलतियों से सीखना है आपको कि आपने क्या गलती की। देखो नेक्स्ट आती है कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनानी है। तो आप मान के चलो कि 50 दिन में एक बार आपको जल्दी से अपनी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। जो मॉक टेस्ट में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चे में कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने दो बार तीन बार रिविजन लिया हुआ है, तो उससे अलग फर्क पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं कि जिनमें पता है कि हाँ, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है कि हर साल तीन क्वेश्चन आते आते हैं, पिछले दो तीन सालों से लगातार तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में लगातार तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले तीन सालों से, तो आपको पता है कि आइन से तो आते ही हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे तो ग्रेविटेशन आपका हो ही जाएगा। तो साथ साथ इनको पहले ये पढ़ के फिर आप ये पढ़ लो। उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, उसके बाद आपको मॉडर्न पढ़नी है। देखो मॉडर्न काफी ईजी है और मॉडर्न को है ना लास्ट के लिए नहीं बचा के रखना है। काफी बच्चे सोचते हैं कि पहले अपना पूरा सिलेबस कर लेता हूँ फिर मॉडर्न तो ईजी है वो लास्ट में कर लूंगा, लेकिन आपको नहीं पता कि लास्ट में आके आपकी कितनी टेंशन होने वाली है। फिर आपको लगेगा बायो भी रह रही है, बायो भी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, तो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट को आप बाद के लिए मत छोड़ो। उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म वाली यूनिट करनी है, उसके बाद ईएम वेव, ईएमआई, ओएसी, इन तीनों को करना है। काफी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ईएम वेव में मुश्किल से दो फॉर्मूले भी आपको मिलेंगे और हर साल इससे एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। पिछले साल इससे दो क्वेश्चन आए थे, तो ऐसी यूनिट्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ईएमआई और एसी, इनसे भी पांच क्वेश्चन आते हैं, ये करने हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन करनी है, पावर करनी है, केपीजी छोटी सी यूनिट है, एक बार इसको हल्की से देखोगे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स है, इसको करना है, और लास्ट में अपने ये वाले चैप्टर्स रखो। ये मैंने आपको वो सीक्वेंस बताया जिस हिसाब से मैं करती थी, मुझे कॉन्फिडेंस आता था करके कि हाँ मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए। अब देखो, अब है ना डेली डिवाइड कर लो। अब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रायोरिटी सेट करने हैं, पढ़ना कैसे है। जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे ईएमआई लगा लो, ईएम वेव लगा लो, या फिर केटीजी लगा लो, तो ऐसे चैप्टर्स को आप एक दिन दो। उस एक दिन में क्या करना है कि आपको आधे एक घंटे उसका वन शॉट वीडियो देखना है, उसमें से आपको उसके नोट्स बनाने हैं और थोड़े से उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। PYQs के कर लो या फिर हल्के से कोई भी आपके पास मॉड्यूल हो तो वो कर लो। उसके बाद जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप तीन दिन दे देना, बड़ा चैप्टर है वो, उससे ज्यादा जो बीच वाले चैप्टर्स हैं उनको दो दो दिन देते चलो। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। मैं मेरा तरीका बताती हूँ, बिल्कुल डिटो जैसे मैं करती थी। हम क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि नीट के टाइम पे जैसे ही मैंने अपना सेक्शन बी निकाला, क्योंकि मैं ना मेरी फिजिक्स छूट रही थी काफी, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा रोने धोने में टाइम वेस्ट कर दिया था, तो मेरी बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला था और फिजिक्स मेरी काफी क्वेश्चन छूट रहे थे। तो मैं सोची पहले एक बार जल्दी से ना सेक्शन बी देख लेती हूँ, क्या पता कुछ ईजी हो। मैंने जैसे पहला क्वेश्चन निकाला उसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी, आप है ना निकाल के देखना मेरे टाइम का पेपर, उस पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन में, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई उस टाइम पे, आखिर जो बड़ी स्टेटमेंट होती है ना वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है क्योंकि आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हो, कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है। और वही हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन इतना ईजी था कि उसकी जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू रखी मुझे पता लग गया कि इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगना है। तो कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन देख के समझ जाना कि इतना ईजी मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि नीट में इतने हार्ड क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। अब रीडिंग लेने के बाद है ना, सबसे पहले लिखो गिवन। अब देखो कि उसमें गिवन क्या है, जैसे समझ लो कि उसमें एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होगा कि फाइंड। अब फाइंड क्या निकालना, क्या है फोर्स। अब आपने देखो सारी उसमें जितनी भी डिजिट थी ना वो सारी लिख ली कि हाँ इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, इसका मास इतना है और इसमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फोर्स के फॉर्मूला कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब कई बार क्या होता है कि एक फॉर्मूला नहीं दो फॉर्मूलों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा होता है। अब समझ लो कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की जगह समझ लो कि आपको वेलोसिटी गिवन होता है या फिर टाइम गिवन होता है, तो आपके दिमाग में वही वहां पे आ जाएगा कि हाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो मेरा हमेशा यही अप्रोच रहता था कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, चाहे मैंने चैप्टर पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन मैं उसकी डिजिट्स एक बार जरूर नोट करूंगी, मैं एक बार देखूंगी कि इसमें पूछा क्या है।
जब आप इतना देख लेते हो ना, समझ लो 50% काम आपने वही कर दिया। अब बचा 50 क्या है, उसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि इसका फॉर्मूले क्या क्या थे और उन फॉर्मूलों में कौन सी ये वाले डिजिट्स जो है मैच कर रहे हैं। बस इतना सा काम है। बस मेरी एक बात मान लो कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे तो उसमें आपके मार्क्स भी कहीं ना कहीं कमी आएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने वो जो लेस टाइम वाली जो चीज़ है ना, वो फिजिक्स में डाली हुई है। जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से दिमाग में बिठा लिया कि हमसे फिजिक्स नहीं होगी। हार्ड नहीं है इतनी, मैं मानती हूँ हमें थोड़ी बहुत हार्ड वो लगती है कुछ रीजन से, लेकिन मेरे कहने पर एक बार फिजिक्स को थोड़ा टाइम दे के देखो यार, आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं उस वजह से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बता के जाना। तो मुझे अभी कमेंट्स में लिख के जाओ कि फिजिक्स की वजह से अपना सिलेक्शन रुकने नहीं दूंगा मैं। सारे बच्चे कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है। मैं सबके मैसेज पढ़ने वाली हूँ और स्टार्टिंग के 1-2 घंटे के अंदर जितने भी मैसेज आएंगे मैं उन सबका रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय।